हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करना है HSAV प्रिंसिपल। सो स्टार्ट करते हैं HSAV प्रिंसिपल। फुल फॉर्म है हार्ड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। ये कॉन्सेप्ट आर पियर्सन सर ने दिया था और लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट या थ्योरी के बाद ये प्रिंसिपल आया था। आर पियर्सन सर ने लुईस एसिड बेस थ्योरी के द्वारा उन्होंने जो बताया था एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है उसी को फॉलो किया। आर पियर्सन सर ने भी बोला कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, उन्होंने भी इस बात को फॉलो किया, और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, जो कि हम कल की क्लास में कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के अंदर हम एसिड्स और बेस को ही जानेंगे फिर से, पर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। एसिड को हार्ड एसिड, बेस भी हार्ड होंगे और सॉफ्ट होंगे। एसिड्स भी हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड, ये हमें इसमें पढ़ना है। इसमें एसिड और बेसिस को उनके चार्ज साइज एंड पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पर कैटेगराइज किया है। सो अब हम हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंस में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। हार्ड एसिड जो है, एसिड है ये, इट मींस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बेस है, इट मींस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये लुईस एसिड बेस के एसिड और बेस की थ्योरी से आए है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ड एसिड का साइज जो है वो स्मॉल है, स्मॉल साइज। हार्ड बेस का भी जो साइज है वो स्मॉल है। स्मॉल साइज होने के कारण जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और एक न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए मेनली हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज अपने ऑर्बिट्स में फैलाता है या देता है। पॉजिटिव चार्ज इसके ऑर्बिट्स में फैला होता है, और ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सो स्मॉल साइज के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई है। हाई पॉजिटिव चार्ज। हार्ड एसिड का भी स्मॉल साइज है, इट मींस उसका भी जो चार्ज है वो हाई है। हाई पॉजिटिव चार्ज या हाई न्यूक्लियर चार्ज। ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है, चार्ज ऐसा है इसके अंदर जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, वो अनफिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है इलेक्ट्रॉन से। बट हार्ड बेस के अंदर इससे डिफरेंस है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड वैलेंस शेल, फुली फिल्ड वैलेंस शेल। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। शेल अनफिल्ड होने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके पास अनफिल्ड शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लविंग है। सेकंड, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बुक में बताई गई है कि हाई होती है। इसका मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, हाई है तो हमें भी हाई मानना पड़ेगा।
बट ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन लविंग इसको बताया गया है, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। सेकेंड बात पोलैरिजिबिलिटी की, फुली चार्ज वैलेंस शेल के कारण इसका जो चार्ज डेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फुली फिल्ड है, तो चार्ज ज़्यादा है। चार्ज ज़्यादा होने के कारण इसकी पोलैरिजिबिलिटी कम है, लो पोलैरिजिबिलिटी। अगर चार्ज कम होगा तो पोलैरिजिबिलिटी हाई होगी, या साइज अगर कम ज़्यादा होगा तो पोलैरिजिबिलिटी हाई होगी। ये कॉन्सेप्ट हम सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस में पढ़ेंगे। नाउ इसकी भी पोलैरिजिबिलिटी जो है वो लो है। इसकी पोलैरिजिबिलिटी लो है, पर हमने यहाँ देखा कि इसमें वैलेंस शेल जो है वो अनफिल्ड है, ना कोई चार्ज ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी इसकी पोलैरिजिबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने शेल में तो इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो उसकी पोलैरिजिबिलिटी कम हो जाएगी। पोलैरिजिबिलिटी समझने का सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर जो है वो समझ लीजिए कि रिएक्टिव कम है, मतलब रिएक्ट नहीं करता है, ये हुआ लो पोलैरिजिबिलिटी। अब हम बात करते हैं इसके एक थ्योरी की, काल्पनिक थ्योरी बनाते हैं इन सबको समझने के लिए। ये हमारा एसिड है एंड ये हमारा बेस है, दोनों का साइज जो है वो इक्वल है क्योंकि इनका स्मॉल साइज है। एसिड के अंदर सपोज डेट कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके अंदर सपोज डेट कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है क्योंकि इसका शेल जो है अनफिल्ड है। हमने मान लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन हम नहीं दिखाते क्योंकि ये अनफिल्ड है। यहाँ पर बोला गया फुली फिल्ड वैलेंस शेल है तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, और ये है ऑक्टेट, ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो ईजिली यहाँ से जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। और यहाँ पर भी देखा कि जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि इसको तो कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बोला गया है। ये इसीलिए बोला गया है क्योंकि हम ये लुईस एसिड बेस के कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, तो लुईस एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। शेयरिंग के कारण ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये इसका शेल भी भर गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी पूरी हो गई, चार्ज डेंसिटी भी भर गई, लो पोलैरिजिबिलिटी, अब इसको ज़रूरत ही नहीं है किसी के साथ रिएक्ट करने की क्योंकि अब वो एकदम नोबल टाइप का बन गया, इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। एंड अब बात करते हैं हार्ड बेस की। हार्ड बेस के अंदर पहले ही से फुली फिल्ड वैलेंस शेल है, चार्ज डेंसिटी पूरी है एकदम, लो पोलैरिजिबिलिटी, रिएक्ट करने की इसको पहले ही से ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही फुली फिल्ड है। एंड बात अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की, इसीलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई बताई हुई है क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ना यहाँ से कोई जा रहा है ना यहाँ से कोई आ रहा है, शेयरिंग हो रही है। तो समझ लीजिए कि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरपूर है एकदम पूरे के पूरे। सो ये है कॉन्सेप्ट। नाउ एंड वन ऑल्सो पॉइंट
कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हार्ड बेसिस के अंदर, उसमें लिखा गया है बुक के अंदर कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट ईजिली रिड्यूस्ड, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की, वो बहुत जल्दी ईजिली हट जाती है, रिमूव हो जाती है, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, इस कारण इसकी प्रॉपर्टी ईजिली कम रिड्यूस्ड हो जाती हैं। वन मोर पॉइंट, पोलराइजेबिलिटी फिजिक्स के टर्म में अलग है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट आता है। एंड एक में लाइट बल्ब का एग्जांपल आता है कि अनपोलराइज्ड को हम अगर पोलराइजर लगा देते हैं तो वो पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर देता है। ये एक पॉइंट है जो कि हम बायोकेमिस्ट्री डी फार्म के फर्स्ट ईयर में ही, वो बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में है, कैलोरीमीटर करके एक्सपेरिमेंट, वो आएगा आगे। ये पोलराइजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से फिजिक्स के टर्म में अलग, केमिस्ट्री के टर्म में अलग। एंड पोलराइजेबिलिटी एक और होती है कि केटायंस और एनायंस में, केटायंस और एनायंस का बनना जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है और आयनिक बॉन्ड बनता है, इसी कारण से एनायन बनता है, एनायन वो जो इलेक्ट्रॉन्स ले, केटायन वो जो इलेक्ट्रॉन्स दे, और पोलराइजेबिलिटी यहाँ से भी आती है इसकी कॉन्सेप्ट। पर यहाँ पर समझने के लिए सबसे अच्छा है कि अगर लो पोलराइजेबिलिटी है मतलब रिएक्टिव कम, हाई पोलराइजेबिलिटी है रिएक्टिव ज़्यादा, ये इसके कॉन्सेप्ट हो गए। एंड एग्जाम्पल अब देख लेते हैं कि हार्ड एसिड की एग्जाम्पल, जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स है, जैसे कि हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड ऑल्सो ट्रांजिशन मेटल जिनके ऑक्सीडेशन नंबर बहुत हाई है, जैसे कि टिन, टिन का +4, आर्सेनिक +3, एल्यूमिनियम +3, ये सारे एग्जाम्पल्स है हार्ड एसिड के। हार्ड बेस के एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक H2O, वाटर, हाइड्रोक्सिल आयंस, कार्बोनेट आयंस एंड परक्लोरेट आयंस, परक्लोरेट आयन एंड ऑल्सो नाइट्रेट आयन, NO3 नेगेटिव, क्लोरीन, ये सब एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हमारी बुक में हार्ड एसिड और हार्ड बेस के। हार्ड एसिड हार्ड बेस में तो कंपैरिजन हो गया, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड का कंपैरिजन कर लेते हैं यहीं पर। सो इसको रब कर देते हैं आप। हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके अपोजिट है सॉफ्ट एसिड की प्रॉपर्टीज सारी, बस इसको छोड़कर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को छोड़कर, क्योंकि ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ये भी एक्सेप्ट ही करेगा, बेस ओनली डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसका यदि स्मॉल साइज है तो सॉफ्ट एसिड का लार्ज साइज है, लार्ज साइज होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वो कम है, पॉजिटिव चार्ज कम है बिकॉज न्यूक्लियस इतना ही है, इसका साइज बढ़ा है, जो ऑर्बिट्स है वो बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो उतना इफेक्टिव नहीं है वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल के यहाँ तक, पॉजिटिव चार्ज कम, वैलेंस शेल जो है अनफिल्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर वैलेंस शेल फिल्ड है, होली फिल्ड, वैलेंस शेल होली कम्प्लीटली फिल्ड। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं क्योंकि ये होली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है। सेकेंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये भी होती है कि इसका जो पॉजिटिव, अगर हमें इलेक्ट्रॉन लेना है तो यहाँ पर जो चार्ज होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इस सेंट्रल एटम ही का चार्ज हमें उस इलेक्ट्रॉन को है अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ तक सॉफ्ट एसिड के अंदर यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज पहुँच ही नहीं पाता अच्छे से कि इस इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट कर सके, इसीलिए ये भी एक पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम होने का, पॉजिटिव चार्ज कम होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना, होली फिल्ड होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना, ये दो पॉइंट्स हो गए।
सेकेंड, इसकी लो पोलराइजेबिलिटी है तो इसकी हाई पोलराइजेबिलिटी है, हाई पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। पर आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हमने देखा था अगर फील्ड है, अगर फील्ड है तो जो पोलर, अगर अनफील्ड है, सॉरी एक मिनट, हाँ जी आपने बोला था कि यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर जो फील्ड अनफील्ड इलेक्ट्रॉन है ये तो पहले ले लेगा, फील्ड हो जाएगा और चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो लो पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी, रिएक्टिव कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। पर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत कम है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका साइज भी बड़ा है, पॉजिटिव चार्ज भी बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस शेल से, वैलेंस शेल से ईजिली रिमूव हो जाएगा, हो जाएंगे, कोई एटम आएगा और इसके साथ अपना बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा और वो निकल जाएगा, या कोई भी बॉन्ड बनाना चाहे वो बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ही उसको पकड़ के नहीं रख रहा है, पूरा तो एटम न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड है, न्यूक्लियरी चार्ज उसके तक नहीं जा पा रहा है, इसीलिए वो इजिली रिमूव हो जाएगा लार्ज साइज के कारण। लार्ज साइज सबसे मेन पॉइंट है, लार्ज साइज के कारण ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होगा। तो हाई पोलराइजेबिलिटी मतलब रिएक्टिव, ईजिली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ईजिली रिएक्ट कर जाएगा, हाई पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पर ये है, चार्ज डेंसिटी इसकी भी ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी इसकी भी ज़्यादा है क्योंकि होलीफील्ड है, वैलेंस है, ये इसको कोरिलेशन करना है, इसको समझने के लिए कोरिलेट करना है हर एक इसके स्टेप्स को। सो ये है एसिड और सॉफ्ट बेस में भी डिफरेंस, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए पॉज करके। अब सॉफ्ट एसिड के एग्जांपल भी देख लेते हैं, लाइक सिल्वर, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब इसके एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट बेस की, क्योंकि हार्ड एसिड हो गया, हार्ड बेस हो गया, सॉफ्ट एसिड हो गया, अब बचा है सॉफ्ट बेस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इनका कंपैरिजन भी हो गया है। सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट बेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉफ्ट एसिड से मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। सबसे पहला पॉइंट है कि बेस है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर तो बिल्कुल नहीं होगा, डोनर होगा, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहाँ पर भी लार्ज साइज है, यहाँ पर भी लार्ज साइज होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा लार्ज साइज के कारण, पॉजिटिव चार्ज कम, लो। नाउ वैलेंस शेल होली फील्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर वैलेंस शेल अनफिल्ड है, वैलेंस शेल अनफिल्ड, कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, अनफिल्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों है? पर यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसको तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, नहीं है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, क्योंकि आप बोल रहे हैं ये एक बेस है, ये एक बेस है मतलब ये डोनेट करेगा, इसको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको देख के मत चलिएगा, थोड़ा बेस को भी देख लीजिएगा कि बेस है या एसिड है, ये एक पॉइंट हो गया। नाउ इसकी हाई पोलराइजेबिलिटी है तो इसकी भी हाई पोलराइजेबिलिटी ही है, हाई पोलराइजेबिलिटी। रिएक्टिव ये भी है, क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि इसका वैलेंस शेल अनफिल्ड है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ज़रूर करेगा, रिएक्ट ज़रूर करेगा ये किसी ना किसी एसिड के साथ, किसी ना किसी एसिड के साथ या कहीं और से अपने इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करेगा। इसकी चार्ज डेंसिटी ज़रूर कम होगी शुरुआत में, पर कम, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर ये पोलराइजेबिलिटी में रिएक्शन में अगर काबिल हो गया, अगर ये जीत गया तो इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, कोवलेंट बॉन्ड बनाए चाहे, कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा।
सो ये हुआ सॉफ्ट बेसिस के एग्जांपल हो गए, जैसे कि आर एस एच, एक बुक में नाम दिया गया है आर एस एच, एंड सॉफ्ट बेसिस शायद से आयोडीन भी होता है, ये एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर सॉफ्ट बे, हमने एच एस ए वी प्रिंसिपल कम्प्लीटली पढ़ लिया है एंड ये कंप्लीट हो गया है। इसके यहाँ पर सारे के सारे इजी वाले नोट्स यहीं पर है, यहीं से कॉपी करिए, और जो बुक में लिखा हुआ है थ्योरी वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। एक और पॉइंट रह गया रिएक्शन के लिए, सॉरी, बुक के अंदर हमें बताया गया है कि अगर हार्ड एसिड और हार्ड एसिड चाहिए तो हमें उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी हाई चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन भी स्टेट जो है हमें हाई लेना पड़ेगा, इसीलिए लेना पड़ेगा ताकि स्टेबल कंपाउंड बने रिएक्शन के बाद। इसीलिए हार्ड एसिड को हम हाई ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं। साथ में इसका जो फंक्शनल ग्रुप वो भी हमें मजबूत लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप भी लेना पड़ेगा। सो ये पॉइंट्स है एंड यहीं पर ख़त्म हुआ। ऑल दी बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर स्टेबल कंपाउंड को एडक्ट के नाम से भी बुलाया है, एडक्ट भी वही होता है प्रोडक्ट ऑफ टू मॉलिक्यूल या एडिशन ऑफ टू मॉलिक्यूल के बाद में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम पोलरिजेबिलिटी मैं बताना चाहती हूँ फिजिक्स के टर्म्स में भी, और जो मैंने बताया वो पोलरिजेबिलिटीज फिजिक्स के टर्म्स में ये बोला जाता है कि पोलरिजेबिलिटी एक टेंडेंसी है मैटर की, टेंडेंसी है मैटर की हर एटम्स में पॉजिटिव नेगेटिव रेंडमली मूव्ड चार्जेस होती हैं, ऐसे चार्जेस होते हैं पर वो रेंडम मोशन में होते हैं। जैसे ही इस मैटर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे, वैसे ही इसके जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे इन पोजीशन, लाइक अगर यहाँ पर, जैसे रिजल्ट में मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर कोई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया नेगेटिव पोल वाला, तो इसके अंदर के सारे जो आयन्स हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो ये होते हैं पोलरिजेबिलिटी इन फिजिक्स के टर्म्स में। एक हम पोलरिजेबिलिटी निकालते हैं बल्ब से भी, यहाँ पर हम एक पोलराइजर लगा देते हैं, पोलराइजर ये हमारा पोलराइजर है, यहाँ से हम एक बल्ब का सोर्स
कोई भी लाइट बीम दे दीजिए या कोई भी बल्ब का सोर्स दे दीजिए, बल्ब सोर्स, यहाँ से हम दे रहे हैं बल्ब। यहाँ से जो लाइट निकलेगी उसे हम बोलेंगे अनपोलराइज्ड, क्योंकि वो एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है। उसकी जो वेव्स होगी वो कोई ऐसे बनेगी, कोई ऐसे बनेगी, ऐसे करके इसकी जो है वेव्स बनेंगी। पर अगर हम पोलर, जब ये लाइट वे लाइट बीम पोलराइजर से पास करेगी तो इसकी जो वेव की प्लेन है वो एक डायरेक्शन में हो जाएगी, ऐसे ऐसे। इसको भी हम पोलराइजर बोलते हैं, पोलराइजेबल इफेक्ट, इसको भी हम बोलते हैं। या हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर लाइक ऐसे, ये एक सोर्स है, यहाँ पर जा रही है लाइट, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, ऑल डायरेक्शंस में लाइट जा रही है। और जैसे ही ये पोलराइजर से पास करती है लाइट एक डायरेक्शन में हो गई, एक डायरेक्शन में जाने लगी। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये हमने 12th क्लास में पढ़ा भी था। नाउ इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पोलराइजेबिलिटी का देख लेते हैं। बोला गया है कि जो जिनका साइज बड़ा होता है, जिन एटम्स का साइज बड़ा होता है, साइज लार्ज, उन एटम में पॉजिटिव चार्ज कम होता है, पॉजिटिव चार्ज कम, साइज बड़ा, पॉजिटिव चार्ज कम। पॉजिटिव चार्ज कम होने के कारण, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से ईजिली हम निकाल सकते हैं। साइज लार्ज होने के कारण कितने भी इलेक्ट्रॉन हम फिट कर सकते हैं, यहाँ पर एकदम रश नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो आपस में टकराएंगे नहीं, क्योंकि साइज बड़ा है। जैसे एक छोटा सा रूम है उसमें 500 लोग डाल देंगे तो रश ज़्यादा हो जाएगा, एक दूसरे से टकराएंगे। अगर बहुत बड़ा रूम है उसमें 500 डाल देंगे तो कोई उतना रश नहीं होगा, उतना आपस में लोग टकराएंगे नहीं। तो यही होता है किसी भी एटम के अंदर। नाउ पोलराइजेबिलिटी मतलब, ये बाद में से, लार्ज साइज है, लार्ज साइज है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले निकलते हैं तो हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर देते हैं। किसी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, किसी को, वो आया इसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर अटैक करने के बाद इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इस एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिए या शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स की, तो कोवलेंट बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड बनने से जो पोलराइजेबिलिटी है वो हाई हो जाएगी, हाई पोलराइजेबिलिटी। क्यों? क्योंकि उसने रिएक्ट तो किया, इसीलिए पोलराइजेबिलिटी हाई हो जाएगी। एंड ऑल्सो अगर हम एग्जांपल ले, लो पोलराइजेबिलिटी का, मतलब कि रिएक्टिव कम है, रिएक्टिव कम होने के कारण स्मॉल साइज होगा, एक तो स्मॉल साइज होने के कारण पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में एकदम जगह नहीं होगी उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ से आए, इसने क्या देखा कि इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, चलो इससे बातचीत करके शेयरिंग कर लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं।
पर इससे जब बात करी तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम आपको एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई भी जो था उसको गुस्सा आया और इसने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया। जब इसने अटैक किया तब देखा कि इसके अंदर तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स हैं, ऐसे क्लाउड्स बने हुए हैं कि आपस में ऐसे जकड़े हुए हैं ना कि इनको तोड़ना ही बहुत मुश्किल है, इनको तोड़ना ही बहुत मुश्किल है कि हम इलेक्ट्रॉन ले भी पाएँ। तो इसीलिए लो पोलराइजेबिलिटी है, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, अपने में ही खुश है वो। यही है कॉन्सेप्ट पोलराइजेबिलिटी का। बस, थैंक यू।